जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, इस सेशन में हम लोग उत्तक यानी टिश्यू का सारा ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ डिस्कशन। इससे पहले दोस्तों हम लोग कोशिका की जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया उसको हम लोग अच्छा से डीपली सोल्यूशन के साथ हम लोग सोल्व कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है टिश्यू यानी कि उत्तक। उत्तक में पढ़ेंगे दोस्तों आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनिमल टिश्यू के बारे में, यानी कि हम लोग जंतु उत्तक के बारे में आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया, जैसे आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी और भी कई एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए इससे पहले हम लोग टिश्यू के बारे में समझेंगे दोस्तों, टिश्यू होता क्या है। तो टिश्यू हम लोग उसको कहते हैं दोस्तों जो ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? टिश्यू कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, यानी कि उत्तक कहते हैं। इसका बेसिकली चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का है? चार प्रकार का होता है। एक पेशी ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा होता है संयोजी ऊतक और चौथा होता है उपकला ऊतक। इंग्लिश में क्या कहेंगे दोस्तों? मस्क्यूल, न्यूरॉन्स, कनेक्टिव और एडिपोज। इतने प्रकार के टिश्यू होते हैं दोस्तों, चार प्रकार के। अब चारों टिश्यू का अलग अलग काम है, चारों ऊतक का अलग अलग काम है हमारे बॉडी में। क्या क्या काम है? तो पेशीय ऊतक जो है दोस्तों, मस्क्यूलर टिश्यू, पेशीय ऊतक क्या करता है दोस्तों कि तीन प्रकार के मस्क्यूलर बनाता है। कौन कौन बनाता है? एक रेखीय बनाता है, दूसरा अरेखीय बनाता है और तीसरा कार्डियक बनाता है। अब आप कह रहे होंगे सर कि अरेखीय कहाँ देखने को मिलेगा, अरेखीय कहाँ देखने को मिलेगा और हृदय कहाँ देखने को मिलेगा? हृदय को बोलते हैं दोस्तों कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब ये तीनों देखने को कहाँ मिलेगा? रेखीय ऊतक है दोस्तों, इसको हम लोग ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक ऊतक भी कहते हैं, ऐच्छिक टिश्यू भी कहते हैं। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो ऐसे हमारा मन के अनुसार काम करता है, यानी कि हम जो जैसा चाहेंगे वैसा करेगा। ये जो है, ये रेखीय ऊतक जो है दोस्तों, जैसे हमारे हाथ, हाथ में जो मांस है, पैर और भी जो बाहरी वाले जो मांस है दोस्तों, जो हम लोग बाहरी वाले जो चमड़ा है, त्वचा है, वो क्या है? रेखीय ऊतक के एग्जाम्पल है। क्या है? रेखीय ऊतक के एग्जाम्पल है। रेखीय ऊतक में एक प्रॉब्लम है दोस्तों, ये क्या हो जाता है? कुछ समय के बाद थक जाता है। जैसे आपके हाथ है, आप हाथ से कुछ कर रहे हैं, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? क्योंकि दोस्तों थकान का एक ही कारण है, इसके मांसपेशिया में क्या हो जाता है कि लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है। किसका? लैक्टिक एसिड का जमाव हो जाता है शरीर के मांसपेशिया में, तो उसमें क्या हो जाता है? थकान उत्पन्न हो जाता है। अब आते हैं अरेखीय ऊतक। अरेखीय ऊतक क्या है दोस्तों? अरेखीय ऊतक है अनैच्छिक ऊतक। क्या है? अनैच्छिक ऊतक, जिसमें हमारी इच्छा की कोई जरूरत नहीं है। क्या नहीं है? हमारी इच्छा की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसा ऊतक है? तो ये अनैच्छिक ऊतक है। क्या है? अनैच्छिक ऊतक है। जैसे दोस्तों, जैसे हमारी आंत जो पाचन सिस्टम है दोस्तों, वो क्या है? अनैच्छिक ऊतक है। हम जब उसको कहेंगे तब स्टार्ट नहीं होगा, जब हमको कहेंगे तब उसको बंद नहीं होगा। वो जब से मनुष्य में जन्म होता है उसके बाद वह क्या हो जाता है? जंतु में जन्म लेने के बाद क्या हो जाता है? स्टार्ट होता है और लास्ट तक के, जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक वो क्या रहता है? स्टार्ट ही रहता है। जैसे दोस्तों, जैसे किडनी, किडनी ये आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे दोस्तों आपका दिल, ये हृदय, ये क्या करेगा? आपकी इच्छा से काम नहीं करेगा। ये क्या है दोस्तों? अनैच्छिक ऊतक है। और इसमें एक और खासियत बात है, ये थकता नहीं है। अगर जो थक जाए दोस्तों, आप सो जाए, ये भी सो जाए, हम सो जाए, ये भी सो जाए, तो पता है क्या होगा? आपकी मौत हो जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी? मौत हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है? ये कौन सी ऊतक है? ये अनैच्छिक ऊतक है। अनैच्छिक ऊतक कहने का मतलब ये आपके इच्छा अनुसार काम नहीं करती है। अब आता है दोस्तों हृदय ऊतक। हृदय ऊतक जो है दोस्तों, ये एक विशेष प्रकार की ऊतक है, जो ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों को मिला के एक विशेष प्रकार के ऊतक है, हृदय ऊतक। इसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज। इससे क्या होता है दोस्तों? इससे हृदय बना होता है, दिल बना होता है। क्या बनता है? दिल बना होता है, हृदय। हृदय क्या, किससे बना होता है? तो हृदय ऊतक से बना होता है। अब ये हो गया दोस्तों, पहला तो ऊतक के जो टाइप था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं दोस्तों तंत्रिका ऊतक में। क्या आते हैं? तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक क्या है? तो तंत्रिका ऊतक है दोस्तों, तंत्रिका ऊतक एक ऐसा ऊतक है जिससे हमारे, उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है दोस्तों, वो क्या होता है? वो ब्रेन में उपस्थित होता है। किसमें? ब्रेन में। ब्रेन में उपस्थित होता है दोस्तों। इसका रीजेनरेशन पावर बहुत कम होता है दोस्तों। रीजेनरेशन पावर ना के बराबर होता है। रीजेनरेशन पावर क्या होता है? ना के बराबर होता है। अगर जो न्यूरॉन जो है दोस्तों, वो ब्रेन में अगर जो एक बार नष्ट हो गया, क्या हो गया? नष्ट हो गया, तो दोबारा रीजनरेशन होने का संभावना बहुत ही कम, यानी कि ना के बराबर है, ना होती है दोबारा रीजनरेशन। यही दोस्तों यकृत है, लीवर है, उसमें अगर जो उसकी ऊतक डैमेज हो जाए उसमें क्या हो जाता है? हाईली रीजनरेशन होता है। लेकिन न्यूरॉन में, ब्रेन में
नष्ट हो जाए तो उसका रीजनरेशन पावर नहीं है। चलिए अब आता है दोस्तों संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब दोस्तों जो किसी को क्या करे, किसी को कनेक्ट करे, क्या करे, कनेक्ट करे, उसको क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे। जैसे में बोन, क्या है दोस्तों, बोन, ब्लड, ये सब क्या है दोस्तों, ब्लड है, ब्लड क्या है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू है। लैम्प्स, लैम्प्स आप समझ लो, लैम्प्स की क्या होता है, लैम्प्स दोस्तों ब्लड में, ब्लड में एक उजला टाइप का, व्हाइट टाइप का एक लिक्विड होता है दोस्तों, वो भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ये है बोन, बोन भी क्या है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू है। आर्टेज कुछ है, कार्टिलेज, कार्टिलेज भी क्या है दोस्तों, ये भी है कनेक्टिव टिश्यू। जो सॉफ्ट बोन होता है, क्या होता है, सॉफ्ट बोन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, एक कनेक्टिव टिश्यू है। आता है उपकला, उपकला यानी कि एडिपोज। एडिपोज में आता है दोस्तों बसा, कुबर, पेट, झुरी आदि, सब क्या आता है, एडिपोज ऊतक में आता है। देखिए बसा कहने का मतलब दोस्तों जिसकी बसा ज्यादा होती है, जिसकी बसा ज्यादा होती है, बसा जो फैट है दोस्तों, फैट, वो फैट क्या होता है, एडिपोज में आता है। कुबर, अब कुबर माने समझ रहे होंगे दोस्तों, ऊंट के ऊपर, ऊंट की पीठ के ऊपर ऐसे एक कुबड़ा बना होता है, क्या होता है, ऊपर उठा हुआ रहता है। अब कोई पहले क्या बोलते थे, इसमें पानी भरा हुआ रहता है, पानी भरा नहीं होता दोस्तों, इसमें क्या होता है, बसा होता है, क्या होता है, बसा होता है। कौन सी ऊतक का उदाहरण है, एडिपोज का उदाहरण है। पेट का निकलना, किसी आदमी का पेट निकल गया दोस्तों, वो क्या है, एडिपोज ऊतक। झुरी, झुरी कहने का मतलब दोस्तों जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है, आपके शरीर या त्वचा की मांस क्या होती है, मतलब कि ढीला होने लगती है, झुरी आने लगता है, वो किसके कारण होता है, उपकला ऊतक के कारण होता है। उपकला ऊतक क्या होने लगता है दोस्तों, कमने लगता है यानी घटने लगता है। एडिपोज क्या होता है, घटने लगता है, तो क्या होता है शरीर में, झुरी पड़ने लगता है। अब आप क्या पढ़े, कुल मिला के आप पढ़े दोस्तों, आप क्या पढ़े, आप पढ़े चार प्रकार की ऊतक। कितने प्रकार की, चार प्रकार की ऊतक पढ़े, कौन कौन पढ़े, एक पढ़े पेशीय ऊतक, दूसरा पढ़े तंत्रिका ऊतक, तीसरे पढ़े संयोजी ऊतक, और चौथा पढ़े उपकला ऊतक। ठीक है, पेशीय ऊतक माने, पेशीय ऊतक आप समझ गए क्या होता है, रेखीय, अरेखीय और कार्डिक। तंत्रिका ऊतक में समझ गए, जो ब्रेन में होता है। संयोजी ऊतक में समझ गए, जो ब्लड, बोन, लाइम और कार्टिलेज। एडिपोज में समझ गए दोस्तों, जिसमें बसा हो, झुरी हो और कुबड़ हो, पेट, पेट निकला हुआ हो, ये सब क्या आता है, एडिपोज ऊतक में आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं जो है ऊतक का। देखिए दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और थोड़ा भी कमी लगे इस वीडियो में तो आप कमेंट करके जरूर कमेंट सजेशन दें और बताएं कि हाँ ऐसे करने से कुछ बेहतर हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा है दोस्तों हमारे शरीर में बसा संचायक ऊतक कौन सा है। क्या कह रहा है कि हमारे शरीर जो है उसमें बसा संचायक ऊतक कौन सा है। तो अभी आप लोग पढ़े थे दोस्तों जो 4 नंबर में था क्या था, एडिपोज ऊतक। कौन सी, एडिपोज ऊतक कौन सा था, एडिपोज ऊतक। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। देखिए हमारे शरीर में वसा संचायक कौन सा, एडिपोज ऊतक है। विभिन्न कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है दोस्तों, विभिन्न कोशिकाओं के कहने का मतलब है दोस्तों कोशिकाओं के मिलने से, कोशिकाओं के मिलने से क्या होता है दोस्तों, मिलने से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों, कोशिकाओं के मिलने से ऊतक का निर्माण होता है। बसा ऊतक 2 प्रकार का होता है दोस्तों, जो बसा ऊतक है, बसा ऊतक कितने प्रकार का होता है, बसा ऊतक 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों, 2 प्रकार का। पहला कौन सा है, पहला है एरियोलर, क्या है, एरियोलर ऊतक, और दूसरा है एडिपोज ऊतक। कौन सा है दोस्तों, एडिपोज ऊतक। पहला कौन है, एरियोलर, और दूसरा है एडिपोज ऊतक। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ऊतक क्या है, ऊतक क्या है, भाटीज ऊतक, ऊतक है क्या, ऊतक जो है दोस्तों, ऊतक क्या है, अभी पढ़े हैं, ऊतक है वे कोशिकाओं जो मूल रूप से
दिखने में और कार्य करने में समान हो। क्या करता है? वह कोशिकाओं जो दिखने में और कार्य करने में क्या होता है, समान होती है, जो दिखने में और कार्य करने में समान होती है उसे क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं दोस्तों। वह कोशिकाएं जो मूल रूप से देखने और कार्य करने में क्या हो, समान हो, से क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं दोस्तों। अब आप कह रहे हैं सर ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक। जंतु ऊतक का अभी हम लोग किए थे, अभी हम लोग पढ़े थे क्या, पहला दोस्तों हम लोग पढ़े थे उपकला ऊतक। क्या पढ़े थे हम लोग? उपकला ऊतक, उपकला ऊतक। और क्या पढ़े थे दोस्तों? दूसरा पढ़े थे हम लोग पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। उसके बाद क्या पढ़े थे दोस्तों? संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? तंत्रिका ऊतक। क्या पढ़े थे? तंत्रिका ऊतक। यानी कि चार प्रकार के हम लोग ऊतक पढ़े थे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर तीन कह रहा है उन कोशिकाओं के समूह को जिसकी उत्पत्ति संरचना समान होती है जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं, उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों और कोशिकाओं उन मांसपेशियों को बनाती है जो शरीर की गति से संबंधित है। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं उसको? उसको हम लोग उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तक कहते हैं, यानी कि टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। देखिए, कोशिकाओं का वह समूह जो सभी कोशिकाएं आकार आकृति कार्य उत्पत्ति वृद्धि में समान होती है क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है दोस्तों। ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों अंगों का निर्माण करता है। शरीर के क्या करता है दोस्तों? शरीर के सभी हिस्सों और अंगों का क्या करता है? अंगों का निर्माण करता है। क्या करता है दोस्तों? उत्तक अंगों का निर्माण करता है। ठीक है, उत्तकों का अध्ययन को हम लोग दोस्तों बोलते हैं हिस्टोलॉजी, जिसमें हम लोग उत्तक का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग उत्तक का स्टडी करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। अगर जो आप इसी चैनल पर कंटिन्यू हो गए तो आप बताइए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर चार। हम लोग जो दो मिनट में पढ़े हैं दोस्तों वही उसी से ऑब्जेक्टिव सारा बना हुआ है। कह रहा है कि रक्त और हड्डियां उदाहरण है, किसकी उदाहरण है? अभी बताए थे दोस्तों किसकी उदाहरण है, तो वह संयोजी उत्तक के उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? संयोजी उत्तक का उदाहरण। किसकी उदाहरण है? तो संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। अभी अब कह रहा दोस्तों इसकी उत्पत्ति एक समान तथा वे विशेष कार्य होता है, कोशिका से मिलकर क्या होता है? उत्तक का निर्माण होता है। रक्त और हड्डियों क्या है दोस्तों? रक्त और हड्डियां क्या है? एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है। जंतु के शरीर को ढकने या वह रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक क्या है? एपिथिलियम उत्तक है। जो जंतु के शरीर है दोस्तों, जंतु के शरीर ढकने या जो बाह है सुरक्षा प्रदान करने, क्या? वाय सुरक्षा प्रदान करने वाला उत्तक कौन सा है? वो है दोस्तों एपिथिलियम। क्या है दोस्तों? एपिथिलियम। कौन सा उत्तक है दोस्तों? एपिथिलियम उत्तक है। कौन सा है? एपिथिलियम उत्तक है। ठीक है, ये हमारे शरीर के सभी हिस्सों, कौन सा है दोस्तों? एपिथिलियम उत्तक है, जो बाहर से सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क, मेरुजा, तंत्रिका, सभी क्या है दोस्तों? तंत्रिका उत्तक है। जो मस्तिष्क में है दोस्तों, मेरुजा तथा तंत्रिका में कौन सी उत्तक है? तंत्रिका उत्तक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांच, मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने। जो संयोजी उत्तक है दोस्तों क्या है? संयोजी उत्तक है। कौन सा संयोजी उत्तक है आप पहचानिए, कौन सा संयोजी उत्तक है? तो है दोस्तों संयोजी उत्तक में आ जाए हड्डी, जो कनेक्टिव टिश्यू है। कौन सा है? हड्डी है, रक्त है और लाइम्फ है, कार्टिलेज है, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब संयोजी उत्तक का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर छह कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से
क्वेश्चन नंबर छह कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर छह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजी ऊतक है। क्या कह रहा है दोस्तों? संयोजी ऊतक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। संयोजी ऊतक कौन सा है? हड्डी। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर सात कह रहा है एक संयोजी ऊतक है, फिर से वही बात है, तो कौन सा संयोजी ऊतक? रक्त संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है रक्त पर डॉट डॉट प्रकार के ऊतक है, कौन सा ऊतक है? तो ये भी संयोजी ऊतक है। रक्त कौन सा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है रक्त क्या है? रक्त एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त क्या है? एक प्रकार की संयोजी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर दस कह रहा है दोस्तों हमारे शरीर की हड्डियां में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं उसमें कौन से ऊतक पाए जाते हैं? उसमें ऊतक पाया जाता है संयोजी। कौन से ऊतक पाया जाता है? संयोजी पाया जाता है। कह देगा कि रक्त हड्डियां में कौन से ऊतक पाया जाता है? तो संयोजी ऊतक पाया जाता है दोस्तों। मुंह की परत, जो हमारे मुंह है दोस्तों, मुंह की परत बनी होती है डॉट डॉट किससे? जो मुंह की परत होती है दोस्तों वो किससे बनी होती है? तो मुंह की परत बनी होती है एपिथीलियम उपकला से। किससे बनी होती है? एपिथीलियम उपकला से। जो मुंह की परत होती है दोस्तों वो किससे बनती है? पपरीदार उपकला। इसको क्या बोलते हैं? रक्स बैमस इपिथिलियम से। किससे बना होता है दोस्तों? रक्स बैमस इपिथिलियम से बना होता है। हमारे मुंह की परत किससे बना होता है? रक्स वैमस एपिथिलियम से या पपड़ीदार उपकला से बना होता है दोस्तों। ठीक है, एपिथिलियम उपकला उत्तक अंगों की बाहरी परत को क्या करता है? बाहरी परत तथा आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, किससे बना होता है? पपड़ीदार उपकला या रक्स वैसम एपिथिलियम से बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है हमारे शरीर में क्या है? कई अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? जो हमारे शरीर में कई अंग है दोस्तों, उसमें से कौन सा अंग है जो सबसे बड़ा है? वो है दोस्तों त्वचा, स्किन। कौन सा अंग सबसे बड़ा है दोस्तों? त्वचा जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर का बाह्य आवरण होता है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? वातावरण या क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं दोस्तों। ठीक है, त्वचा उपकला उत्तकों की कई परतें का निर्माण करता है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अगर जो सर अंग कह दे तो अस्किन हो जाएगा। लेकिन वही कह दे दोस्तों ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है दोस्तों यकृत है। कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है दोस्तों त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच की उपकला को क्या कहते हैं? जो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच की उपकला को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं वसा। त्वचा है दोस्तों, ऊपर से त्वचा है और अंदर से क्या है? आंतरिक अंग। जो बीच में जो फैट होता है, मोटाई होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं वसा। क्या कहते हैं उसको? वसा यानी फैट कहते हैं। संयोजी ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो संयोजी ऊतक आपको पता है 3 प्रकार का होता है, लचीला संयोजी ऊतक और संघीय संघर्ष संयोजी ऊतक और वशिष्ठ संयोजी ऊतक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्न में से क्या एक पशु ऊतक नहीं है? कौन सी एक पशु ऊतक नहीं है दोस्तों? पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। जो पशु ऊतक नहीं है, कौन सी पशु ऊतक नहीं है? चारों जो है दोस्तों वो पशु ऊतक है। अभी पढ़े थे हम लोग चारों कौन सी ऊतक है? पशु ऊतक है। पेशी ऊतक भी कौन सी है? जंतु ऊतक है। संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक और तंत्रिका ऊतक, चारों जो है पशु ऊतक है। इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो छांटने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डॉट 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 ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है। कौन सा है दोस्तों? अस्क्रवैसम एपिथेलियम। कौन सा है? अस्क्रवैसम एपिथेलियम। लेकिन कौन सा? ये तो हम लोग पढ़े थे अस्क्रवैसम एपिथेलियम। ये कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सही है दोस्तों ऑप्शन बी सही है, रसल एक्सक्रवैसम एपिथेलियम। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों, स्ट्रेटिफाइड रक्स वैसम एस्पिथेलियम किसमें मौजूद होता है, कौन सी स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड जो है दोस्तों किसमें मौजूद होता है, तो त्वचा में मौजूद होता है, किसमें, तो त्वचा में मौजूद होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है दोस्तों उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं, उत्तक में क्या होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, और कोशिका मैट्रिक्स के सन्निहित होता है, कोशिका क्या है, मैट्रिक्स के सन्निहित होता है, तो कौन सी उत्तक है दोस्तों, उत्तक में कौन सी उत्तक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिका मैट्रिक्स के सन्निहित होता है, कोशिका मैट्रिक्स से क्या होता है, सन्निहित होता है, तो है ऑप्शन संयोजी उत्तक में, कौन सी उत्तक में, संयोजी उत्तक में, जिसमें कौन क्या क्या आता है, ब्लड आता है, बोन आता है, लैम्प आता है और कार्टिलेज आता है, इसमें संयोजी उत्तक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पेशी उत्तक दोस्तों कौन सी, जो पहले पढ़े थे हम लोग, कौन सी, पेशी उत्तक, पेशी उत्तक यानी कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी उत्तक बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है रेखीय, क्या होता है दोस्तों, एक रेखीय, दूसरा क्या होता है अरेखीय, क्या होता है अरेखीय, अरेखीय, और तीसरा होता है हृदय, हृदय, तीन प्रकार के क्या है, पेशी उत्तक है, रेखीय, अरेखीय और हृदय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है, जो बाहर वाला परत है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, जो बाहर वाला त्वचा है मानव शरीर के बाहर वाले त्वचा को क्या बोलते हैं, मानव शरीर के बाहर वाले त्वचा को क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिडर्मिस, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं मानव शरीर के बाहर वाला त्वचा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत को क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अब कहता है वह यह त्वचा की स्तरीय उपकला कई परतों में से मिलकर बनती है, किससे बनती है दोस्तों, कई परत मिलकर मिलती है, यह शरीर की अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई होती है, यानी कि शरीर के अलग अलग भागों में बाहरी वाले थोड़ा कम, अंदर वाला और थोड़ा, मतलब कि अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई होती है, यह शरीर की अलग अलग भागों में अलग अलग मोटाई होती है, बाह्य त्वचा में कोशिकाओं की आकृति चार प्रकार का होता है दोस्तों, जो बाहरी वाला त्वचा है उसमें कोशिकाओं की आकृति कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है, कौन कौन होती है, पहला होता है दोस्तों सल्की परत, क्या उसी सल्की परत, दूसरा होता है दोस्तों स्वच्छ परत, कौन सी स्वच्छ परत, तीसरा होता है कणिकामय परत, चौथा कौन सा होता है दोस्तों, चौथा होता है लास्ट वाला परवोही या अंकुरत, प्रावही या अंकुरत, अंकुरत परत। ठीक है, ये कौन सी, चार प्रकार की परत होता है बाह्य त्वचा की। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा है, जो मानव शरीर के सबसे बाहरी हिस्सा है, तो कौन सा है, एपिडर्मिस, कौन सा है दोस्तों, एपिडर्मिस जो है से बाहरी हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, निम्नलिखित में से संयोजी उत्तक नहीं है जो कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, कौन सा है, तंत्रिका कोशिका, उपास्थि, अस्थि, रक्त, उपास्थि अस्थि दोनों क्या हो गया, हड्डी हो गया दोस्तों, रक्त भी कौन सा है, वही संयोजी उत्तक है, तंत्रिका कोशिका, ये कौन सी, संयोजी उत्तक नहीं है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन ए सही है। कोशिका की संरचना उसके कार और उसके समान बहुलती रहती है, कोशिका कितने प्रकार का होता है दोस्तों, उत्तक कितने प्रकार का होता है, तो चार प्रकार के उत्तक होता है। ठीक है, कौन कौन,
उपकला, पेशी, संयोजी, तांत्रिक उत्तक, ये सब क्या है? उत्तक की टाइप है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, रक्स वैसम एपिथिलियम उत्तक फेफड़े के एल्वेलाइम और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है, जहां डॉट संकुचित और विश्राम होता है, जहां संकुचित और क्या होता है, विश्राम होता है। यानी कि क्या है दोस्तों, जहां अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। रैक्स वैसलम एपिथिलियम उत्तक कहां पाया जाता है, जहां पर अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। क्या होता है दोस्तों, जहां पर अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी होती है, कौन सी कैसी कोशिका से त्वचा बनी होती है, जो हमारे शरीर का स्किन है दोस्तों, वो कैसी कोशिका से बनी होती है, कोशिका की टाइप कौन सी है। तो कोशिका की टाइप है दोस्तों अधिचर्म कोशिका से क्या बनी होती है, हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है। बाह्य त्वचा या अधिचर्म एकल कोशिका की मूलस्थल है। और अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन ए सही है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डॉट उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, ग्रंथियां दोस्तों जो ग्लैंड बनाते हैं, कौन सी उत्तक है जो ग्लैंड बनाते हैं, तो एपिथिलियम उत्तक जो है दोस्तों, एपिथिलियल उत्तक जो है, उत्तक को कौन सा क्या बनाता है, वो ग्लैंड बनाता है दोस्तों, ग्लैंड बनाता है यानी कि ग्रंथियां बनाता है। जंतु के शरीर को बढ़ाने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाले उत्तक को क्या बोलते हैं दोस्तों, उपकला उत्तक बोलते हैं या एपिथिलियम टिश्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपिथिलियम टिश्यू बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या रहा दोस्तों, जंतु कोशिका में ब्रिक यानी किडनी के यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथिलियम इसकी आंतरिक परत निर्माण करती है वो निर्माण करती है दोस्तों आयत फल की या क्यूबॉइडल से, इससे क्यूबॉइडल एपिथिलियम इसकी आंतरिक परत का क्या करती है, निर्माण करती है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कह रहा है, डॉट उत्तक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है, कौन सी उत्तक जो है सो ग्रंथियां बनाती है। अभी पूछे हैं, अभी देखें हम लोग कि कौन सी उत्तक ग्रंथियां बनाती है, तो एपिथिलियम उत्तक क्या बनाती है ग्रंथियां बनाती है। क्वेश्चन नंबर 26 का 27 कह रहा है, हिस्टामिन सावरक कोशिका में पाई जाती है। यानी कि हिस्टामिन संयोजी उत्तक में पाई जाती है, इसे पाई जाती है संयोजी उत्तक में पाई जाती है। हिस्टामिन सावरक कोशिकाएं संयोजी उत्तकों में पाई जाती है। प्राणियों के संयोजी उत्तकों में मुख्य घटक कोलेजन नामक प्रोटीन क्या करता है, होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्रोटीन दोस्तों, कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अवकाशोथ या एरोलर टिश्यू डॉट के बीच एक पूरक उत्तक यानी कि फिलर टिश्यू का नाम का काम करता है, क्या काम करता है, फिलर टिश्यू का काम करता है, वह है दोस्तों त्वचा और मांसपेशियां, क्या काम करता है, त्वचा और मांसपेशियां काम करता है। अवकाशी उत्तक हमारा शरीर के दूसरे संयोजी उत्तक की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, ठीक है, या ढीला ढाला उत्तक होता है और दूसरे उत्तकों के जोड़ने में क्या होता है, सहायक होता है। यह उत्तक त्वचा और मांसपेशियां को भी क्या करता है, जोड़ता है दोस्तों, क्या करता है, त्वचा और मांसपेशियां को जोड़ता है। कौन, अवकाशोत्तक उत्तक या एरोलर टिश्यू क्या करता है, त्वचा और मांसपेशियां को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है निम्न में लाल समवहनीय संयोजक उत्तक कौन सा, जो लाल संवहन करता है दोस्तों, लाल को संवहन करता है, वो कौन सी उत्तक है, तो उत्तक है दोस्तों रुधिर, रुधिर क्या करता है दोस्तों, रुधिर एक प्रकार की लाल संयोजी उत्तक है। क्या है रुधिर एक प्रकार की दोस्तों, रुधिर एक प्रकार की तरल, लाल तरल संयोजी उत्तक है, क्या करता है दोस्तों, संयोजी उत्तक है,
ठीक है दोस्तों, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा से होता है। रक्त का निर्माण कहां से होता है दोस्तों, जो रक्त है दोस्तों, रक्त ब्लड, उसका निर्माण कहां से होता है, लाल अस्थि अस्थि मज्जा से होता है। कहां से होता है, लाल अस्थि मज्जा से होता है। इसका पीएच मान कितना है दोस्तों, रक्त का पीएच है 7.4। 7.4 कहने का मतलब दोस्तों हल्का क्षारीय, क्या है, हल्का क्षारीय इसका क्या है, रक्त है। रुधिर लाल रंग का चिपचिपा सा, जल से कुछ भारी भारी, मतलब कि जल से थोड़ा सा भारी, अपारदर्शी अपारदर्शी है, यह क्या है, संयोजी ऊतक है, संवहनीय संयोजी ऊतक है। कौन, रुधिर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। ऊतक जो है दोस्तों, डॉट डॉट डॉट, ऊतक ग्रंथियां का निर्माण करते हैं। अभी तुरंत पढ़े कि कौन से ऊतक ग्रंथियां यानी ग्लैंड का निर्माण करते हैं, ग्लैंड का निर्माण करते हैं, ग्रंथियां का निर्माण करते हैं, वो है दोस्तों वाहिका ऊतक। वाहिका ऊतक कहते हैं इसको दोस्तों, क्या कहते हैं, वाहिका ऊतक। ऊतक क्या करता है, ग्रंथियां का निर्माण करता है। यह ग्रंथि उसका कैसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोटीन श्वसन और संश्लेषण करता है, क्या करता है, श्वसन, हार्मोन का श्वसन और संश्लेषण करता है। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग पादप ऊतक, क्या देखे थे हम लोग, जंतु ऊतक देखें। आगे देखेंगे हम लोग पादप ऊतक, पादप ऊतक यानी कि एनिमल पादप ऊतक यानी कहने का मतलब हो गया दोस्तों प्लांट टिश्यू। हम लोग आगे देखेंगे अगला वीडियो में, रहने देते हैं यहीं तक के। अगर मिलते हैं हम लोग प्लांट टिश्यू के साथ।